हाय स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, आरएमएस वैल्यू में हम लोग दो मेथड यूज करते थे, एक को बोलते थे ग्राफिकल मेथड, दूसरे को बोलते थे एनालिटिकल मेथड। ठीक, हम लोग ग्राफिकल मेथड किसी भी का कोई भी कर्व हो उसका हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, और अगर बात करते हैं एनालिटिकल मेथड तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, साइनसॉइडल फंक्शन को। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक है क्या है, एवरेज वैल्यू। और आपको क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है एवरेज वैल्यू निकालिए, आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो ये दोनों चीज़ मुझे आना चाहिए। तो अब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ एवरेज वैल्यू के लिए, तो ये एवरेज वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, अगर एवरेज वैल्यू की मैं बात करता हूँ उसका एक अपना कोई डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो मैं अभी सबसे पहले डिफिनेशन बता दूँ कि एवरेज वैल्यू वो होता है जो किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज होता है कोई एक फिक्स टाइम पीरियड में। अगर कोई टाइम पीरियड गिवन है उसमें उसका वैल्यू क्या कहलाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट क्वान्टिटी कहलाएगा। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म इज द मीन पॉइंट ऑफ फिक्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब किसी भी टाइम पीरियड अगर फिक्स है उसमें अगर आपको एवरेजिंग करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कर सकते हो। आप हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी एवरेज निकालना होता है तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई नंबर दिया गया है तो एवरेज निकालना होता है तो टोटल सम सबसे पहले करते हैं, और टोटल सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वान्टिटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि जब मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करना हो, और एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे अगर दिया गया हो तो हमको एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीका का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं साइनसॉइडल फंक्शन का, क्योंकि मुझे पढ़ना है एसी करंट, और इसलिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तरीका यही है, सारे वेब फॉर्म आप यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड नहीं करके हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं। जब भी हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगे, एनालिटिकल मेथड में कम कैलकुलेशंस होंगे, तो एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं। आपको क्वेश्चंस में कभी नहीं दिया रहेगा कि आप ग्राफिकल मेथड से बनाइए एनालिटिकल मेथड से बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसा आप पिछले में आरएमएस में फाइंड करते थे सेम चीज़ इसमें है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है जिसका ये टाइम पीरियड टी दिया गया है, और ये क्वान्टिटी होगा चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, जिस क्वान्टिटी का होगा। तो ये टाइम एक्सिस है और ये वोल्टेज या करंट एक्सिस है। अब मुझे इसमें क्या करना है, एनालिटिकल मेथड में जब भी हम लोग करते थे तो एक देखिए ये एनालिटिकल मेथड में हम लोग एक स्ट्रिप लेते थे, मतलब कि छोटे छोटे स्ट्रिप को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा कर्व बनेगा। तो ये छोटा छोटा जो स्ट्रिप है, तो सबसे पहला काम इसमें होता था हम लोग आई स्क्वायर फाइंड करते थे। यहाँ पर मुझे चूँकि करंट का या वोल्टेज का निकालना है तो मुझे आई स्क्वायर फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे इसी कर्व का एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, मान लीजिए स्ट्रिप का विड्थ है डी थीटा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, ये चूँकि आई करंट है तो ये जीरो से चलेगा पाई तक पहुँचेगा, ये टू पाई हुआ, तो यहाँ पर
स्ट्रिप जो होगा, इस स्ट्रिप का एरिया अगर आपको फाइंड करने बोला जाए तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो लेंथ इनटू विड्थ। तो देखो ये अगर कर्व जो तिरछे हैं उसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो छोटा सा एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, चूँकि बहुत छोटा है तो ऐसे घूम के जाना और ऐसे घूम के जाना लगभग इक्वल माना जाएगा, लगभग इक्वल माना जाएगा। तो अब मुझे देखना क्या है कि ये जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब हम लोग इसको जानते हैं कि एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट होगा, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रिप है। अब इसका एरिया कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या है कि लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो अब देखो विड्थ के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, डी थीटा, लेंथ के जगह पे क्या रखेंगे, ये मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हम लोग रख दें, ये आई वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ स्ट्रिप को हम लोग क्या लिखेंगे, आई इंटू डी थीटा, यानी आई डी थीटा, ठीक। अब मुझे ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो अब दूसरे साइकिल को छोड़ दीजिए, केवल पॉजिटिव साइकिल की अभी हम बात कर रहे हैं, निगेटिव साइकिल की भी बात करेंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अभी केवल पॉजिटिव साइकिल की जब बात हम करेंगे तो पॉजिटिव साइकिल में मतलब कहाँ से कहाँ तक, अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा ऐसा अगर स्ट्रिप, सारा स्ट्रिप को सम कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रिप को सम करने का मतलब है हमारे पास, तो सम करने के लिए अब स्ट्रिप बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सारे स्ट्रिप को जोड़ने के लिए हमारे पास एक जो है टूल्स है वो है इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई तक, तो ये सारा का सारा सम हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो क्या करना होगा कि इस स्ट्रिप का एरिया लिखना होगा और उसको इंटीग्रेट करना होगा जीरो टू पाई। तो इस स्ट्रिप का एरिया होगा आई इंटू डी थीटा, चूँकि फंक्शन यही है और इसका इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके पाई तक, क्लियर। तो जब भी एरिया फाइंड करना होता है तो हम यही काम करते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं आई क्या है, करंट, और करंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे लिखते हैं, आई एम साइन थीटा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं चूँकि साइन का फंक्शन है तो करंट को हम लोग लिखेंगे आई एम साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम आई का वैल्यू पुट करें तो जीरो से लेके पाई जाएगा, ये आई एम साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं जब भी इंटीग्रेशन हो तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाले, यहाँ होगा जीरो टू पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। जब साइन थीटा इंटू डी थीटा हुआ तो आपको पता है कि अगर कहीं पे इंटीग्रेशन करना है साइन का तो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे आई एम माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन लिमिट रखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू पाई रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसको और आगे तक बढ़ाएंगे तो ये होगा आई एम, और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं तो माइनस कॉस पाई, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस कॉस पाई, माइनस इंटू माइनस कॉस जीरो, ठीक है, ये काम होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई एम कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, अगर कॉस का पाई का वैल्यू किसी को नहीं पता है तो कॉस का ग्राफ ये होता है, ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। कॉस का या साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच में लाई करता है, वन टू माइनस वन, तो ये कॉस का ग्राफ है, मतलब कॉस पाई यहाँ पे पाई डिग्री होगा, ये पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन।
तो कॉस पाई का वैल्यू आप देख भी सकते हो, अगर याद नहीं है तो माइनस वन लिखा आएगा, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन, तो कॉस जीरो का वैल्यू लिखेंगे वन, क्लियर। तो यहाँ से मुझे निकल का आएगा माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल क्या होगा टू आई एम, ये मेरा मिल गया टोटल एरिया, मतलब पूरा का पूरा हाफ साइकिल का एरिया मिल गया। अब मतलब कि जब भी मुझे एवरेज फाइंड करना हो तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही काम करना है, तो टोटल एरिया और टोटल टाइम को डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे डिवाइड करना है तो टोटल एरिया बाय टोटल टाइम, तो अब जब मुझे लिखना है एवरेज वैल्यू को हम लोग दिखाते हैं आई, जो है नीचे में ए भी लगा दिए, मतलब एवरेज वैल्यू शो कर रहा है, तो आई ए भी इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ हाफ साइकिल, चूँकि हाफ साइकिल की केवल अभी बात कर रहे हैं इसलिए एरिया ऑफ हाफ साइकिल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेस लेंथ, बेस लेंथ मतलब यह जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे कितना दूर तक फैला हुआ था, हाफ साइकिल कितना दूर तक फैला होता है यानी पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, इसलिए हम इसको जीरो से पाई लिखेंगे। आप देख सकते हो हाफ साइकिल जो है जीरो से लेके पाई तक है, इसलिए हम लोग केवल लिख रहे हैं जीरो से पाई टाइम का। अब मुझे देख क्या देखना है, अब एरिया ऑफ हाफ साइकिल अभी तुरंत हम पता किए थे कितना होता है टू आई एम, नीचे पता किए थे, और बेस लेंथ कितना है पाई, तो हम लोग बोल सकते हैं ये है टू आई एम बाई पाई, या टू बाई पाई को अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो इसका वैल्यू आता है 0.637, तो हम लोग बोल सकते हैं आई एवरेज जो है वो कितना होगा 0.637 आई एम, क्लियर। तो ये वैल्यू जो है आपका आई एवरेज पता करने का है, तो जब भी कोई साइनसोइडल फंक्शन है और उसका एवरेज वैल्यू पता करना है तो हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होगा 4 हाफ साइकिल, ये हमेशा याद रखिए कि ये हाफ साइकिल का फॉर्मूला होता है, फुल साइकिल का नहीं होता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ वही चीज़ एक बार फुल साइकिल के लिए बात करके थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई है तो आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। अगर फुल साइकिल की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेके टू पाई तक, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना चाहिए, और बाकी सब कुछ केवल लिमिट यहाँ से क्या होगा जीरो से पाई के बदले जीरो से टू पाई लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो जीरो से टू पाई लिखने के लिए सबसे पहले आई एवरेज एरिया, या सबसे पहले एरिया पता करना है तो एरिया ऑफ फुल साइकिल इक्वल टू क्या होगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू पाई तक इंटीग्रेशन करना होगा, किसका करना होगा आई एम साइन थीटा इंटू डी थीटा को, क्योंकि आई एम साइन थीटा क्या है करंट फंक्शन का इक्वेशन है, और डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाके पूरा का पूरा स्ट्रिप का होगा। तो इसको हम लोग क्या किए आई एम साइन थीटा डी थीटा से किए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते क्या हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये अंदर क्या बचा, सॉरी ये इंटीग्रेशन का ही साइन रहने दीजिए, अभी अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे माइनस कॉस थीटा डिवाइड, और यहाँ लिमिट क्या रखेंगे जीरो टू टू पाई, तो जीरो टू टू पाई रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये कॉस का फंक्शन है या नहीं है, यहाँ तक जीरो से चलेगा टू पाई, कॉस का फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है, कॉस थीटा का अगर मुझे ड्रा करना है तो कुछ ऐसा होता है, ये थीटा एक्सिस है, मतलब कि जिस समय कॉस जीरो का वैल्यू वन, कॉस टू पाई का वैल्यू भी वन, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अब पुट करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं माइनस कॉस 2 पाई, अपर लिमिट पुट कर दिए माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करना है थीटा के बदले, तो माइनस माइनस कॉस 0। ठीक, अब यहाँ पे देख लो आई एम कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू +1, तो यहाँ इसके बदले +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू +1, तो +1 और माइनस मतलब -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाएगा आई एम, तो ये -1 +1, मतलब ये दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर लिया, मतलब ये आई एम इंटू 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0, मतलब एरिया 0 आया। तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, एवरेज वैल्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं टोटल एरिया किसका, ऊपर देख लो आप यहाँ पे एरिया जब हाफ साइकिल के निकाले थे तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल लिखते थे डिवाइडेड बाय बेस लेंथ, यहाँ जब हम पूरा क्लियर निकालेंगे फुल साइकिल के लिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ फुल साइकिल डिवाइडेड बाय बेस लेंथ। ठीक है, तो इसके बेस लेंथ से डिवाइड करना है, तो फुल साइकिल का एरिया कितना आया है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय बेस लेंथ कितना होगा, अगर आप बात करते हो बेस लेंथ की तो 0 से 2 पाई तक फुल साइकिल का लेंथ होता है बेस लेंथ, तो 0 से 2 पाई अगर आप करते हैं तो ये आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर एवरेज वैल्यू मुझे फुल साइकिल का पूछे, फुल साइकिल एवरेज वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। क्लियर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन यानी फुल साइकिल के लिए अगर पूछ दे तो 0 आएगा, हाफ साइकिल के लिए पूछ दे तो 2 IM या 2 VM/π आएगा, यानी 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकलेगा और फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू आंख बंद करके आप लोग को बता देना है 0। और एक चीज़ और, अगर देख लो इक्वल पार्ट ऊपर है, टोटल अगर एरिया निकालना है तो इक्वल पार्ट ऊपर है पॉजिटिव, इक्वल पार्ट निगेटिव है, तो टोटल निकालने का मतलब पॉजिटिव प्लस निगेटिव 0। ठीक है, इक्वल इक्वल दोनों है तो दोनों का केवल साइन चेंज है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाई 2π मतलब 0। तो जैसे ही आपको एक्स एक्सिस के सिमेट्री, सिमेट्री मतलब समझते हैं कि एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे एरिया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री अगर आपको नज़र आ रहा है कोई वेव फॉर्म, इसका मतलब फिक्स है कि उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा 0 होगा फुल साइकिल के लिए। क्लियर, अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो सबसे पहले एक दो पॉइंट और है जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नाम सुनेंगे आप, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पीक वैल्यू क्या होता है मैं समझाता हूँ, सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि पीक वैल्यू क्या होता है, पीक मतलब क्या होता है, चोटी। ठीक है, अगर कोई पहाड़ है पहाड़ का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या कहलाएगा, पीक पॉइंट कहलाएगा। तो अगर एक कोई फंक्शन बना रखा है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, या इसे छोड़ के आप कोई ट्रेंगुलर फंक्शन की भी बात कर सकते हो, मान लो ये एक ट्रेंगुलर फंक्शन है, इसका अलग अलग वैल्यू है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिमेट्रिक है। ठीक है, केवल मैं पीक वैल्यू समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, मान लीजिए इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है, ठीक है, इसका वैल्यू -3 है, ओके, इसका वैल्यू मान लीजिए
माइनस वी एम है, इसका वैल्यू क्या है, वी एम है, प्लस वी एम। ठीक, अब मुझे ये चेक करना है कि ये प्लस वी एम है और ये माइनस वी एम है, इन दोनों में वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा है, प्लस वी एम, इससे ज़्यादा तो वैल्यू आना है नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे सब पीक पॉइंट कौन सा है, ये, तो इस पे कितना वैल्यू है, वी एम। मतलब इस साइनोसॉइडल फंक्शन का अगर आपसे पूछा जाए पीक वैल्यू क्या है, तो पीक वैल्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे, प्लस वी एम। क्लियर। वैसे ही दूसरा ग्राफ में देखो, पीक पॉइंट कौन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो लोअर है, क्लियर, ये वैली पॉइंट हो सकता है, यानी गड्ढा वाला। तो अब ये पीक पॉइंट ये है, पीक पॉइंट ये है, तो अब लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो इसका, ये 3 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, मतलब इस ग्राफ का जो पीक वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5। क्लियर। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि पीक वैल्यू क्या होती है। अब एक टर्म जो है आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, बस ये केवल एक छोटा सा डिफिनेशन है इसका, और कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, बस एक फॉर्मूला का यूज़ करना है, उससे आप लोग फाइंड करोगे, लेकिन आपको डिफिनेशंस पता होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी मुझे फॉर्म फैक्टर निकालना हो, ठीक, तो फॉर्म फैक्टर का मुझे डिफिनेशन लिख के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, रेशियो ऑफ किसका, आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। मतलब आरएमएस वैल्यू पहले बोल रहा है, मतलब आरएमएस वैल्यू ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और एवरेज वैल्यू बाद में बोल रहा है, मतलब एवरेज वैल्यू कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। क्लियर। तो फॉर्म फैक्टर का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो हम लोग बोलेंगे फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, हम लोग जानते क्या हैं, आरएमएस वैल्यू अगर कहीं भी पता करना हो तो हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन की बात करते हैं अभी, तो साइनोसॉइडल फंक्शन में हम लोग आरएमएस वैल्यू इक्वल टू बोलते हैं 0.707 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, मैक्सिमम वैल्यू को, तो मुझे क्या दे देता है, आरएमएस वैल्यू दे देता है। क्लियर। या पीक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए या पीक वैल्यू बोलिए, जो भी बोलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो वो दे दिया। हम लोग एवरेज वैल्यू में भी तुरंत क्या पढ़े हैं कि एवरेज वैल्यू जब भी फाइंड करना हो तो केवल साइनोसॉइडल फंक्शन के हाफ वेव की बात कर रहे हैं, तो 0.637 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, अभी तुरंत हम पलट के देख लेते हैं क्या होता है, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तब अगर हम इसको पुट करते हैं तो हम इसको पुट करके देख लें फॉर्म फैक्टर में, तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस के बदले हम लोग पुट कर रहे हैं 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, और एवरेज वैल्यू के बदले पुट कर रहे हैं 0.637 इंटू मैक्सिमम
वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैक्सिमम वैल्यू क्या दोनों सेम होगा, ज़रूर सेम होगा, क्योंकि फॉर्म फैक्टर हम किसी साइनोसॉइडल वेव का निकाल रहे हैं, मतलब क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर एक ग्राफ दिया गया है कोई वेव का, तो इसी का फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी कि ये ग्राफ अलग है और ये ग्राफ अलग है, दोनों को मिला के फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। अगर फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो इसी ग्राफ का मैक्सिमम भी लेना है, यानी आरएमएस भी लेना है, इसी ग्राफ का एवरेज भी लेना है, ग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका जो मैक्सिमम होगा इसके खुद एक ही होगा, यूनिक होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपस में कट हो जाएंगे। तो 0.707 डिवाइडेड बाई 0.637 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 1.11। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर को हम लोग के एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो के एफ का वैल्यू यानी फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1.11। ये फिक्स कॉन्स है कि एसी क्वांटिटी जितनी भी होगी वो साइनोसॉइडल होगी, और साइनोसॉइडल का हम लोग फाइंड किए हैं फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में फॉर्म फैक्टर गिवेन हो, फॉर्म फैक्टर गिवेन हो, ठीक है, और आरएमएस में या फिर एवरेज वैल्यू, आरएमएस या फिर एवरेज वैल्यू दोनों में से कोई एक गिवेन हो, तो जब दोनों में से कोई एक गिवेन हो और फॉर्म फैक्टर भी गिवेन हो, तो हम लोग तीसरा वैल्यू, मतलब तीन क्वांटिटी है, फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मतलब तीनों में से कोई दो गिवेन है, तो हम लोग इजली तीसरा फाइंड कर सकते हैं। मतलब के एफ इक्वल टू, अगर आरएमएस का पता है, एवरेज का पता है, तो हम लोग दो अगर कुछ दे दिया गया, कोई ये और ये दे दिया तो आरएमएस पता कर लेंगे, ये और ये दे दिया, सॉरी, ये और ये दे दिया तो एवरेज पता कर लेंगे, और ये दोनों दिया हुआ है तो ये पता कर लेंगे। मतलब आपस में आपको रिलेशंस क्रिएट करना आना चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर गिवन है कि फॉर्म फैक्टर या आरएमएस वैल्यू एसी क्वांटिटी का आपको दिया गया है, ठीक है, लेकिन एवरेज नहीं दिया गया है, मतलब आप जानते हो कि एसी क्वांटिटी का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, 1.11, तो हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होगा एवरेज फाइंड करने के लिए, इसको इस साइड ले जाएंगे तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम एस डिवाइडेड बाई के एफ फॉर्म फैक्टर। या फिर आर एम एस वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, आर एम एस वैल्यू पता करने के लिए एवरेज को इस साइड ले जाएंगे, तो एवरेज को ले जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी को इधर से उधर मल्टीप्लाई करना, ये आप ईजी काम है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पीक फैक्टर। नाम से ही लग रहा है कि पीक फैक्टर मतलब कहीं ना कहीं पीक वैल्यू इसमें इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसका जो डिफिनेशन लिखते हैं वो लिखते हैं, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इसे मैक्सिमम बोलिए या फिर पीक वैल्यू, टू द आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पीक फैक्टर, ठीक है। तो ये पीक फैक्टर कहलाएगा, मतलब इसका मतलब है पीक फैक्टर इक्वल टू जो होता है, क्या मैं बोला, रेशियो ऑफ, जो पहले लिखा गया मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू पहले लिखा गया, आरएमएस बाद में लिखा गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय, आरएमएस बाद में बोला गया है, आरएमएस वैल्यू को हम लोग नीचे पुट कर रहे हैं, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू है, तो हम लोग, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया पीक फैक्टर पता करने का, कि
कि अगर किसी ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पता है और उसका आरएमएस वैल्यू पता है तो हम लोग पीक फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और पीक फैक्टर को दिखाते हैं केपी से। क्लियर। अब देखिए, जो अब इसमें से मुझे क्या करना है कि अगर केपी इक्वल टू हम लोग मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू कर रहे हैं। अब यही चीज़ हम अगर साइनोसोइडल फंक्शन की बात करते हैं, साइनोसोइडल फंक्शन में, साइनोसोइडल के लिए केवल बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है, अभी तुरंत पढ़े थे, 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर के ग्राफ, ऊपर के इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको देखिए क्या मिलता है, पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस के बदले पुट क्या कर रहे हैं, 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, तो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू चूंकि एक ही ग्राफ का है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, 1/0.707। ठीक है, तो 1/0.707 कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट कीजिए, वन डिवाइडेड बाय 0.707 इसका वैल्यू आता है 1.414 मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पीक फैक्टर जिसे हम केपी से दिखाते हैं तो केपी इक्वल टू क्या होता है, 1.414। क्लियर, तो ये मेरा पीक फैक्टर है। अब कोई मुझे आपसे कोई बोल रहा है कि ऐसा है कि पीक फैक्टर हमको गिवेन है, तो हम यहाँ से हम डायरेक्ट एवरेज वैल्यू वगैरह पता करने का हम लोग तरकीब लगा सकते हैं कि कोई एक चीज़ अगर दिया है तो दूसरा चीज़ कैसे कोरिलेट करना। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पीक वैल्यू आपको, पीक फैक्टर का वैल्यू दिया है ये गिवेन है, ठीक, और आरएमएस या मैक्सिमम में से कोई गिवेन है, तो मैक्सिमम या आरएमएस में से कोई गिवेन है, ठीक है, तो तीसरा आप ऑटोमेटिक पता कर लोगे कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये आपका ड्यूटी है कि आप फॉर्मूला को कैसे इधर से उधर घुमा सकते हो। अब से जिसे देखो ये गिवेन है और ये गिवेन है, ये पता करना कर लेंगे, या फिर ये गिवेन है, ये गिवेन है, ये पता करना है कर लेंगे। मतलब इतना क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इसी पांच टर्म को आपस में कोरिलेट करना इसी दो फॉर्मूला के हेल्प से आपको करना है। क्लियर, तो आई थिंक ये जो है आपका कैलकुलेट करने वाला पार्ट वो आपको आ गया होगा। तो इसका मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, पहले आप वो बना के देखोगे, क्योंकि तरीका वही है आरएमएस वैल्यू वाला तरीका, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के दूंगा पहले, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।